बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेक्शन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला के ऑप्शन में यहाँ पर डिफाइन नेम और क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन है, इसको समझेंगे डिटेल के साथ। ये देखिए, अभी मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला, इसका रेफरेंस नया है C9, सी कॉलम है, 9 नंबर रो है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें डिफाइन नेम पर, तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखा आ रहा है, नेम डिफाइन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इसको क्लोज करूँ, इस सेल पर सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर क्लिक करूँ दोबारा डिफाइन नेम में, तो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट लिखा आ रहा है। ये देखें, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है। देखें होता क्या है, अगर मैं इसको ओके कर दूँ तो अभी इस सेल का जो रेफरेंस है ये C8 भी इसका रेफरेंस है, और इसके साथ इसका एक रेफरेंस इंटेंजिबल एसेट भी हो गया है। देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, अगर मैं इक्वल टू C8 करूँगा, जैसे मैंने इक्वल टू C8 करके एंटर किया, तो देखिए रेफरेंस इसने ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर INTAN लिखूँ, इंटेंजिबल एसेट लिखूँ और एंटर करूँ, तो भी ये यही सेल सिलेक्ट करेगा। देखिए हम नेम रेफरेंस देते क्यों हैं, किसी भी सेल को, किसी भी डाटा को नेम रेफरेंस देने से हमें फ़ायदा ही होता है कि जब हम वर्क कर रहे हो, किसी कैश फ्लो बैलेंस शीट पे काम कर रही हूँ, कोई इस तरह की शीट पे काम कर रही हूँ जहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज हों और हम वर्किंग करते करते लास्ट पे चले गए, अब हमें चाहिए यहाँ पे हम किसी सेल में इंटेंजिबल जो एसेट्स हैं उनको शो करवाना चाह रहे हैं, तो एक मेथड है आप यहाँ पे क्लिक करें, C8 लिखें और उसको वापस लिंक करें। तो इससे एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है, दूसरा ये होता है कि इससे जो पर्सन जिसको आप शीट को सेंड कर रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है कि इस बंदे ने C8 में से माइनस किया है, तो C8 असल में है क्या। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको मेंशन कर दें इंटेंजिबल एसेट और उसमें से माइनस कर दें कोई वैल्यू, देन जब भी पर्सन यहाँ पर क्लिक करेगा और उसको यहाँ से रीड करके ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो है इंटेंजिबल एसेट में से 4000 को माइनस किया गया है। इसका एक ये फायदा होता है। अब एक क्विक मेथड सीख लेते हैं। क्विक मेथड क्या है, आपने ये रेंज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर ये रेंज मैंने सेलेक्ट की यहाँ तक। अब जैसे मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा और यहां से लेफ्ट कॉलम ओके करूंगा, तो होगा क्या, हमारे एक एक सेल पर ऑटोमेटिकली यहां पर नेम्स जो रेफरेंस हैं वो, ये जब हमारे पास डाटा होगा वो इस डाटे का, इस सेल का नेम क्रिएट हो जाएगा। आप नेम मैनेजर पर क्लिक करके इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए इंटेंजिबल एसेट के लिए ये सेल रेफरेंस है, इस सेल के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट है, इस सेल के लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये लिखा हुआ आ गया है। अब कहीं भी हमें ये वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू प्रॉपर्टी, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, टैप करेंगे, एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सेल यहाँ पे लिंक हो जाएगा।